गुजारिश यह है कि सब तो पहली जी गल मैं तुम दसनी हो कि थोड़ी जी सड़क है जिते असं लंघ के आए ये मंजूर भी हो गई है ये पैसे भी आ गए ने और ये टोकरी वाली नहीं है कारपेट रोड मंजूर करके थोड़ी मैं लैके आया ये वास्ते जो दस्तावेजी सबूत है वह भी मैं वैस कासम साहब को भेजा होया मैं वो फोटो कापियां करा के तुहानू भी भेज दिना ता कि तुसी अपने किसी सियाने कोलों बेशक पढ़ा लो इत्थे हुण यह नवीं चबल मारन का एक तरीकाकार आजाद हो गया कि जिते असी स्कीम बनाने जिस तरह सुई गैस की मैं लियादी है धमथल उत्थे आके वह भी बाद चो जरा क्योंकि इंतजामी हल्के उन्होंने तरफदारी कर रहे हैं तो उत्थे आके वह भी इफ्तिताह कर देंगे हालांकि जी उन्हों की अपनी कारकर्दगी है वह मूँह बोल का सबूत है कि उन्होंने पल्ले ही कख नहीं मैं नहीं देखा बदो मली गैस जाते हैं मैं नहीं देखा नूरकोट गैस लगते हो तो धमथले जो मैं गैस गवा ली है हूँ उत्थे जाके इफ्तिताह इतने आके थानू भी झूठ सच बोलन गए लेकिन मैं थोड़ा कसम खा के कहना कि थोड़ी सड़क जी है वह मुकम्मल तौर पर वो पैसे भी आ चुके हैं वह नक्शा भी पास हो गया हर चीज़ हो गई है सिर्फ इलेक्शन कमीशन की वजह ना अजे तक अमल दरामद नहीं शुरू हुआ है क्योंकि उन्होंने रोकया हो सो सब तो पहले तो यह गल मैं थोड़े न करनी दूसरी गल दूसरी गल मैं थोड़े यह करनी है कि बहुत सारे लोग यह समझते हैं कि एहसन इकबाल नूं थम्मी देण वाला या रुकावट बनने वाला जिहड़ा इस इलाके दे विच कोई सूरत हाल बन सकती है तो वह दानियाल अजीज़ की शक्ल बन सकती है इस वास्ते दानियाल अजीज़ का जितना बहुत जरूरी है ताकि इन्हों डका लाए बाकियों की जड़े ना खैर है मैं थोनों यह दसना चाहना कि यह गल गलत है सब तो जरूरी यह है कि अवैस कासम साहब इलेक्शन जितने बीपी 54 इस वास्ते मैं तुहानू सारयां नू और तमाम बरादरियां दे दोस्तां नू खसूसी तौर पर अपनी बरादरी के दोस्तों नू यह कहांगा कि हो सकता है तुहाडे साडे नाल कोई क्योंकि असी भी बड़े चिरां दे इत्थे लगे दे आ वोटां मंगण हो सकता है किसी नाल कोई ऊंच नीच हो गई होवे ते साडे नाल अगर फर्ज करो कोई नाराजगी है तो बराए मेहरबानी साढ़े ते कढ लैणा वैस कासम ते ना कढणा इहनू जरूर वोट दिओ तुहाडी मेहरबानी तीसरी गल जिहड़ी मैं तुहाडे नाल करना चाहना ओह है वे कि इत्थे जिस तरह कि तुहानू पता है मुख्तलिफ किस्म दा चालां चलियां जा रही ने एक चाल यह चली जा रही है कि किसी ना किसी तरह जिहड़ा राजपूत बरादरी का वोट है जिहड़ा गुजर बरादरी का वोट है जिहड़ा तमाम बाकी बरादरियों का वोट है वह घेर घूर के किसी तरह अपने वाल लैके जाए एहसन इकबाल क्योंकि इत्थे उहनू भांदा ही कोई नहीं इन्हें उन्हें यह तरीका वादा करता झूठा हर किस्म का जिहड़ा ना लालच देंदे पे ने लोगों को हर किस्म का लालच देंदे पे ने और इस तरह करके कभी कोई दलवाल तो कभी कोई मोरली तो कभी कोई सरघाले तो कभी कोई किधरों कभी कोई किधरों एक इलड़ इकट्ठा किया मेरी बरादरी का और तुसा खुद देखे वीडियो दे विच कि किस तरह एक मिनट पुत्र तुसीं खुद देखे इत्थे एक वीडियो चलती पई है जिहदे विच अगले दिन को प्रेस के सामने गल कर रहे सन एहसन इकबाल और उहदे नाल अकमल सरघाला खड़ा सी बकायदा उन्नू मनान ने जिहड़ा भतीजा उहदा एहसन इकबाल का उन्नू कन्नों फड़ के पिछे कीता और उन्नू घूरिया और उहदे बाद उहने अखां शर्म नाल नीवियां कर लईआं सो यह जिहड़ा इलड़ इहनां ने गुजरां दा इकट्ठा कीता दा इधरों उधरों पकड़ दकड़ करके कोई ना कोई लालच दे के ये दर हकीकत तरीक है गल साबित करेगी कि यह गुजरां दे कातल साबित होणगे ये गुजर बरादरी के कातल साबित होणगे जिहड़ा साडा इस इलाके दे विच मयार है जिहड़ा साडा कट कात है सियासी उसनू ऐ नीचा दिखाण दी साडी पग मैली करन दी कारवाई दे विच शामिल ने यह जिहड़ी लोकां नू इतलावा दिंदे ने कि जी इस जगह छापा मारो फलाने नू चुक लियाओ तुहाडा की ख्याल है पुलिस नू वाही उतर दी है वो नारोवाल की पुलिस इतने लिया दी उन्होंने साड़ी वाली पुलिस से तुम्हें पता है थक गई है काम कर करके तो उन्होंने तो पता ही नहीं है गलों का तो कौन दसदा उन्होंने ये दसते हैं उन्होंने ये साढ़े घर छापे मरवा रहे हैं ये साढ़े बाबों साढ़े चाचा चुका रहे हैं ये अपनी कमजोरी पर्दा पाने वास्ते जरा लोगों डरा धमका पे ने और इस अमल के पेश पेश ने इस वास्ते इस गल भुलियो ना लोगो ये कल फिर इन्होंने आना थोड़े को मंगता बन के तो यह जो कुछ अज जिस तरह सीने के किल ठोकते पे ने असी भी बड़े इलेक्शन लड़े ने कई जितते हैं कई हारे हैं कोई बात नहीं हार जित रब दे हत्थ है असी इस नजरिए इलेक्शन लड़ने कि असी अगली बारी जैदका नहीं को मनिया तो अगली बारी फिर तरला वध मार लाँगे एक भी तर्ज है सियासत का लेकिन इस तरह जिस तरह यह साड़िया
मावा भैन की चादर और चारवादी का तकदस पामाल कर रहे हैं। यानी दिन असं कंपेन करने ते सारी रात वह महकमे उन्होंने इशारे के उत्ते कंपेन कर दे कंधा टप टप के। सो इस चीज़ का सख्त मजम्मत करनी चाहिए है। तो सारे दोस्तों कट्ठे होना चाहिए है। साढ़े उत्ते एक डाका पाया जा रहा है, एक डाका किया जा रहा है, एक हमला किया जा रहा है। उस शक्ल हमलावर होकर साढ़े ते आ रहे हैं। यह कोई इलेक्शन नहीं हो रहा। अगर इलेक्शन हो रहा होंगे तो घर घर पुलिस जाके बंदूक की नोक से लोगों को मजबूर ना कर रही होंगी। थाने बुला बुला लोगों फोन को कर ऐ ना कह रही होंगी कि तुम कट ना कराओ तो वेखांगे तो ऐ होएगा ऐ जाती होएगी। इतने दुकानदारों नोटिस चले गए हैं, इतने पेट्रोल पंपा सील कर दिया गया सिर्फ इस वास्ते कि वो अपनी राय हक जो इस्तेमाल करना चाहते अपनी मर्जी के मुताबिक। इस हमला कहते हैं, इलेक्शन नहीं है। ये गल बद गई है सड़कों तो गलिया नालिया तो खब्बों तो। ये हम साड़िया पगों के फैसले होने ने। यह बकायदा साढ़े आने वाली नस्लों वास्ते सानू एक मजबूर कौम बना के बखाना चाहते हैं कि इन्हों का असी कलाकामा कर छड़े इन्हों पले कख नहीं। ये साडा मणका तोड़ना चाहते हैं, साडा सियासी मणका इस इलाके का तुहाडे सारे का तोड़ना चाहते हैं। जे साडी हद तक रहिंदे सानू गिरफ्तार करके चले जाते कोई बात नहीं, असी सहिंदे। लेकिन सानू नहीं, तुहाडे तुहाडे दुआले होए ये तुहाडे नाल दुश्मनी लैंदे पए। इस वास्ते लोगो इस गल नू समझो, मैं कोई हौला बंदा नहीं, कोई हल्की गल नहीं करता पिया। यह जी तुम दसते पे हो अवैस कासम साहब के नाल जो मैं निभा किया है, यह मामूली बात है। तुहाडी इलाके की सियासी उठा बचाने वास्ते मेरी धौण भी लत जाए, वह भी बारे चाहे मेरे साढ़े बाप दादे ने यह सारा काम इस वास्ते नहीं किया कि साढ़े लोगों के उत्ते आके को रूला फेर दे। साडू असी मुकांगे असी मिट जावे वो बाद थोड़े तक ही अपनेगा। लेकिन इस गल तो भी समझनी जरूरी है तो कट्ठे हो जाओ। मैं अगले दिन एक मिसाल दे रहा सी, जो मैं नवा नवा सियासत आया जिस तरह मेरा बेटा या विकास साहब का या अवैस साहब के बच्चे भी सारे तुसी जानते हो, मतलब वो इस काम के शामिल ने साड़ी मदद के। मैं जो इस उम्र का सी मैं अपने वालिद साहब को गल पुछी कि बाबा जी यह दसो मैनू कि यह पिंड लोगों नहीं पता कि थोड़ी तलीम बद है, थोड़ी तलुकात बद ने, तुम ज़्यादा मेहनत करना चाहते हो, तुम करप्शन नहीं करते, तो यह क्यों है कि थोड़े बच्चे एक पिंड का हिस्सा अगर एक पास आ जाए तो दूजा पास ने दूजे पास जाना ही जाना, ये सारे कट्ठे हो के क्यों नहीं वोट दे सकते। तो मेरे प्यो ने मैनू मिसाल दी कि पुत्र ए भी हो जाता हूँ कभी कभी। तो उन्होंने मैं सुनाई गल पुराने वेलिया की, कहिंदा पुराने वेलिया जिस वेले मीह वरदा सी बरसात का मौसम आता सी ते उस वेले जिस वेले पैलियां तार हो जांदियां सन ते चूहे उत्ते आ जांदे सन, तैरने पै जांदे सन, ते पूरा पिंड लंगोटे कस के डांगा लै के ते चूहे मारन दे तुआले हो जांदे सी। उस वेले ये तमीज़ नहीं सी हुंदी कि मेरा बन्ना कित्थे मुकदा पिया ते दूजे दा कित्थे शुरू हुंदा पिया कि उहदा नुकसान हो जाए ते मेरा फायदा हो जाए। लेकिन मैं क्यों गारे च छाल मारा कि उहदी पैली नूं मैं चूहा टक्का। उस वेले अपना जाती जदों पूरे पिंड दा मुश्तरका नफा नुकसान जिस वेले देखदे ने ते फिर इकट्ठे होके तो ये काम करते हैं। तो लोगो वह मिसाल मैं तुम्हें एवं नहीं सुना रहा, जिस भी थोड़ी हर पिंड एक सियासी बारह टहनी होंगी है। लेकिन यह वेला आ गया कि बरसात आती पई है और चूहे जड़े ने बाहर तरते पे ने, उन्होंने कट्ठे होकर डांगा लैके लंगोटे बन के मार लो ताकि असं फिर साड़िया चंगी पहलियां अच्छी फसल दे सकें। इन्होंने गलों के नाल मैं शुक्रिया अदा करना, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।